सर अगर अभी कोई हम ऑन ग्राउंड स्ट्रैटेजी देखे तो वो क्या स्ट्रैटेजी होगी? देखिए, अभी निफ्टी में तो मैंने आज कोई स्ट्रेटेजी बनाया नहीं। एक स्टॉक जो मैं आपको भी शायद पता होगा, मैं ज़्यादा स्टॉक रिकमेंड नहीं करता, मैं बहुत लिमिटेड स्टॉक रिकमेंड करता हूँ एंड उसी स्टॉक को मैं टारगेट अचीव करा के छोड़ता हूँ। सो अभी एक स्टॉक जो मेरे को लगता है कि लास्ट ऑलमोस्ट आप ही के चैनल में मैं मोर देन 10 टाइम्स रिकमेंड कर चुका हूँ, आज भी मैं वही स्टॉक रिकमेंड करने जा रहा हूँ। कंपनी का नाम है आदित्य बिरला फैशन, तो शॉर्ट फॉर्म है ABFRL। सो आप अगर ए एबीएल, बी हाँ ABFRL ओके। तो आदित्य बिरला फैशन, यस आप देखेंगे 341 चल रहा है। सो यहाँ पे करेक्शन रिसेंटली भी आया था, ऑलमोस्ट 317 के आसपास आ गए थे स्टॉक। मुझे लगता है एक ही स्मॉल कैप के अंदर एक ही ऐसा स्टॉक है, ऐसा ग्रुप है जो कमिंग 6 से 7 महीने में मार्केट परफॉर्म करे और ना करे, लेकिन ABFRL आदित्य बिरला फैशन पर्टिकुलर एक कंपनी परफॉर्म कर सकता है। एंड मुझे लगता है कि आपको ऐसे मिनिमम 370 से 380 के जोन कमिंग 2 से 3 महीने में दिखाई दे सकता है। और अगर स्टॉक को नीचे जाना था तो लास्ट जो 2-3 वीक में करेक्शन आया था ना, तो उस करेक्शन में ऑलरेडी नीचे चला गया होता एंड वहां से जो एक बाउंस बैक करके ABFRL ऊपर आया है, सो अपने आप में एक स्ट्रेंथ दिखाता है एंड कविट के जो टॉप है टॉप के ऊपर चल रहा है और एक कंसोलिडेशन पैटर्न बनाया था, ऑलमोस्ट डबल टॉप बनाया था 325 के आसपास। सो 325 के ऊपर सक्सेसफुली क्लोजिंग देके उसके ऊपर मेंटेन भी कर रहा है, तो ये सारा इंडिकेटर पर्टिकुलर एक ही स्टॉक में मेंटेन हो रहा है। एंड ये स्टॉक मैम ऐसा स्टॉक है कि आपको एक हफ्ते में 10-20-30% नहीं देगा, आपको 5 to 6 month आपका पेशेंट टेस्ट करेगा और उसके बाद आपको यहाँ से मिनिमम 25 to 30% यहाँ से आपका रिटर्न आ सकता है। पहले भी जिन्होंने सुना था, मैं उन सबको बोलूंगा कि आप होल्ड कीजिए एंड अगर कोई फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहता है इस काउंटर में तो मैं उनको बोलूंगा कि आप फ्रेश भी आप एक बार ले सकते हो एंट्री। जी, तो आदित्य बिरला फैशन सर ने रिकमेंड कर दिया है।